दाल पालक, दाल पालक रेसिपी। तो मैंने पालक ली है, इसको बारीक कट करना है। अब मैं सूले पे बनाऊंगी हांडी में। मैंने सब मसाला तैयार किए हैं, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, एक कटोरी दाल, जीरा, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। अब हम लहसुन को कूट के पेस्ट बनाएंगे लहसुन का। लहसुन को बारीक करना है। टमाटर कट करके छोटे छोटे, एक चम्मच तेल है सरसों का, बहुत ही टेस्टी बनेगी दाल। नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, दो चम्मच मिर्ची डाली मैंने। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें राई डालना है थोड़ा, आधी चम्मच, जीरा आधी चम्मच, लहसुन कुटी हुई, इसमें हरी मिर्ची और टमाटर डालने हैं। हरी मिर्ची और टमाटर तेल में फ्राई करना है। अब इसमें दाल डालनी है। दाल के ऊपर सब मसाला डाला हुआ है, सबको तेल में फ्राई करना है अच्छे से। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट दाल बनेगी। देखिए सब मसाले मिल गए हैं। और अभी 2 गिलास पानी डालना है, 2 गिलास पानी। अब 20 मिनट के लिए छोड़ना है ढक्कन लगा के, 20 मिनट के लिए। ये हमारा चूल्हा जल रहा है, हांडी में दाल बना रही हूँ। ये देखिए हमारा दाल अच्छे से बन गया है, थोड़ी कच्ची है। अब पालक डालेंगे अंदर। इसमें पालक डालेंगे, अभी थोड़ा दाल कच्ची। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दाल बनेगी। पालक डाल के 3 मिनट तक चूल्हे पे रखना है दाल को। हमारा दाल तैयार हो गया है। इसके ऊपर धनिया पत्ती डालनी है। कितना अच्छा दाल बना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारा दाल तैयार हो गया है।